मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले पूजा अर्चना की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर मौजूद रहे। नए हेलीकॉप्टर को लेकर सरकार का कहना है कि पिछले कुछ समय से हमारा हेलीकॉप्टर दिक्कत कर रहा था, काफी पुराना होने की वजह से सेफ्टी का भी इशू था। सरकार विचार कर रही थी कि नया हेलीकॉप्टर आए और अब ये खरीद लिया गया। एविएशन मिनिस्टर भी हैं और आज एक नया उड़न खटोला हेलीकॉप्टर लेने का काम हरियाणा सरकार ने किया है, किस तरह की जरूरत थी? देखिए, पिछले एक साल से डिपार्टमेंट ने रिकमेंड कर रखा था कि 15 साल हो गए हैं जो हेलीकॉप्टर था हरियाणा सरकार का, कि उसे बदलना है। तो मैंने पहले भी बताया कि चुनावी प्रक्रिया चल रही थी और व्यवस्थाएं जो है डिपार्टमेंट की थी, तो उस वजह से व्यवस्था व्यस्त होने की वजह से ये हेलीकॉप्टर अब लिया गया और आज इसका जो है हरियाणा सरकार में इसको कहते हैं ना टेक ओवर करने का, पूजा करके टेक ओवर करने का काम इस हेलीकॉप्टर का। आखिरी सवाल मेरा महाराष्ट्र की जीत को लेकर के है कि किस तरह से देखते हैं, क्योंकि झारखंड में हालांकि निराशा हाथ लगी लेकिन महाराष्ट्र में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई। मैं महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करूंगा, उन्होंने क्लियर मैंडेट देने का काम किया और माननीय नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास जताने का काम किया और एक बम्पर जीत देकर उन्होंने बताया कि हमें भारतीय जनता पार्टी का शासन चाहिए। और हरियाणा के चुनाव नतीजों ने बता दिया था कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि वातावरण जो है वहां पर भी उसी तरीके से जैसा हरियाणा के अंदर था वैसा ही बनता हुआ दिख रहा था। धन्यवाद। तो हमारे साथ विपुल गोयल थे, एविएशन मिनिस्टर हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, यूएलबी मिनिस्टर हैं और सभी बातों के ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी है। और जहां तक हेलीकॉप्टर की बात है तो वो सरकार की जरूरत थी, एक जो पुराना हेलीकॉप्टर था वो काफ़ी ख़राब हो चुका था, इसी वजह से नया खरीदने का काम किया है। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। और हरियाणा सरकार ने जो हेलीकॉप्टर खरीदा है आप उसके बारे में जानिए। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि हेलीकॉप्टर की जानकारी क्या कुछ है। हेलीकॉप्टर एयरबस कंपनी से खरीदी गई है। हेलीकॉप्टर की कीमत तकरीबन 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये हेलीकॉप्टर आपको बता दें कि हरियाणा जर्मनी से लाया गया है। 2 साल पहले हाई लेवल परचेज कमेटी ने हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी दी थी। जी हाँ, पहले वित्त विभाग ने इसकी खरीद पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद नए सिरे से बातचीत के बाद हाई लेवल परचेज कमेटी ने खरीद को मंजूरी दी। जी हाँ, तो हेलीकॉप्टर हरियाणा जर्मनी से लाया गया है। जो हेलीकॉप्टर सरकार ने खरीदा, जिसकी पूजा आज मुख्यमंत्री के जरिए से की गई, मुख्यमंत्री ने की, वो हेलीकॉप्टर जर्मनी से आया है, एयरबस कंपनी का है और इसकी तकरीबन कीमत 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और पहले वित्त विभाग ने इसकी खरीद पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद नए सिरे से बातचीत के बाद हाई लेवल परचेज कमेटी ने इसको खरीदने की मंजूरी दी।